तो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम वापस आ गए माइनक्राफ्ट में एंड पेड वॉर्स हाई पिक्सल में सर्वर पे हम आ गए हैं। एंड मतलब अभी मतलब मुझे 5-6 दिन पहले पता चला कि वो 1.19 आ गया। तो वैसे अगर आप चाहते कि मैं 1.19 एक्सप्लोर करूँ तो इस वीडियो पे 6 लाइक कर देना। और अगर आप मतलब आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पे बस मेन बेड वॉर्स के ही वीडियो डालूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेड वॉर्स के ही वीडियो डालता रहूँ, तो अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना एंड लाइक भी कर देना। मैं पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा हूँ पर हाँ ठीक है। एंड अभी हम बेड वॉर्स में करने वाले। उससे पहले मैं कहना चाहता था कि मैंने लूनर क्लाइंट डाउनलोड किया था, वो वन सबसे बेस्ट क्लाइंट माना जाता है आई गेस, मुझे नहीं पता। पर इसको जैसे ही मैंने डाउनलोड किया आप मेरी FPS यहाँ पे बगल में देख सकते हो। सीरियसली ये क्या हो गया, मेरी FPS के साथ क्या हो गया। एंड हाँ जैसे कि आप ये भी देख सकते हो मेरे पास मैंने एक नया टेक्सचर पैक ले लिया है, क्योंकि जो मेरा पिछला 512x वाला टेक्सचर पैक था जो कि मैंने नहीं बनाया था ऑफकोर्स तो किसी दूसरे का था, वो मुझे उसमें इतनी आदत नहीं थी, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब अच्छा था पर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा के ये कोई 16x टेक्सचर पैक है मैंने इसे लगा लिया। तो चलो हम एक नया मैच स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं टेक्सचर पैक कितना अच्छा है, क्योंकि बिना टेक्सचर का पैक के बेड वॉर्स ना इतना अच्छा नहीं लगता। तो चलो यहाँ पे इस मैच को एक स्टार्ट करते हैं। एंड वैसे मुझे यहाँ पे बताना था यहाँ पे जो चैलेंजेस वाला एक ऑप्शन होता है बगल में, उसमें से मैंने जो वो एंडर चेस्ट वाला चैलेंज था जिसमें एंडर चेस्ट और चेस्ट जो है और मतलब सेल्फिश ड्रॉप वाला चैलेंज, उसको मैंने उसमें एक विक्ट्री ले ली थी। एंड मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसमें एक विक्ट्री ली थी। तो वैसे तो अब मुझे नहीं पता कि उससे क्या हुआ, उससे एक और चैलेंज अनलॉक हो गया था मे बी शायद, पर उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला मुझे, मुझे नहीं पता मुझे मिला कि नहीं, मैंने देखा नहीं। पर अभी हम आ गए हैं लाइट हाउस में एंड ये वही मैप है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि इसमें मैं जब पीका में खेलता था इसमें तो इसमें लोग साइड रश करते थे, पर इस वाले में लोग डायमंड जेन पे जा रहे हैं अभी, तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। पर चलो छोड़ो हम दूसरों का तरीका यूज़ करेंगे एंड इसको यहाँ पर रखते हैं एंड एक स्टोन स्वॉर्ड भी ले ही लेते हैं एंड इसको चलो एक काम करते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ये टेक्सचर पैक ओवरऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, ये बंदा मेरे पे रश नहीं कर रहा ना, मैं जा रहा हूँ डायमंड जिन पे, अगर जब वो रश करेगा तब मैं डायमंड जिन मतलब मैं तब अगर डायमंड ये मुझ पर रश करेगा तो मैं डायमंड जेन पे नहीं जाऊंगा। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होता तो करता है, पर मैं क्यों बता रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर मैं इसे 1.8.9 में खेल रहा हूँ बाय द वे। मैंने 1.8.9 में शायद पहले कभी खेला भी है बेड वॉर्स, आई मीन खेला तो मैंने बहुत बार है पर वीडियो में कभी खेला है मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी खेला है, तो शायद ही मैं वीडियो में पहली बार कर रहा हूँ, वैसा भी कुछ होता है क्या। चलो छोड़ो एक और डायमंड का वेट करते हैं फिर शार्पनेस ले लेंगे, बढ़िया रहेगा। शार्पनेस के बाद मैं सीधा जाऊंगा रश करने वाइट पे, क्योंकि वाइट अभी बहुत तगड़ा डिफेंस बनाते हैं जो कि मैं तोड़ ना पाऊँ। ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे शायद TNT चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से ये सब स्टफ उठाता हूँ एंड यहाँ से ये खरीदते हैं एंड TNT एक गोल्डन एप्पल। और ये काम करते थोड़े से लैडर्स ले लेते, मुझे नहीं पता मैंने लैडर्स ले लियो, वैसे क्लच कर सकता। चलो छोड़ो हम इस वाइट की वाइट पे जाते हैं, मुझे बस ये डर है अगर मैं ये ब्रिजिंग करते करते गिर गया तो बहुत बुरा होगा। एंड गाइस मैं अभी करेंटली मतलब करेंटली तो नहीं, मैं अभी यही ब्रिजिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मतलब मैंने जो पहले ब्रिजिंग मेथड दिखाया था वो सीडियो वाला, वो एक्चुअली मैं उसमें पता नहीं गिरने लगा हूँ। एंड ये बंदा अभी आ गया, व्हाट शिट शिट, अरे अरे TNT मर 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 मर
ये भी आ गया, ये भी आ गया, शेड वाइट आ गया, आई मीन येलो आ गया, येलो सॉरी वाइट नहीं आया, येलो आ गया। लड़को मैंने 1v2 कर दिया लड़को। हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है मैं कितना प्रो, मतलब इतना भी तो नहीं हूँ पर हूँ मैं प्रो, सबसे लोअर वाला प्रो मे बी। तो मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। चलो छोड़ो, अब इस येल्लो के बच्चे पे रश करते हैं। यहाँ पे से अब येलो भाई तू गया, सॉरी क्योंकि तूने मेरा बेड डिस्ट्रॉय किया, तूने मुझे बिट्रे किया, इसलिए अब मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। येलो बेड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय गॉड पार्कर, लेट्स गो बेटे। अब आना तू, सच में ना आ जाए, मजाक कर रहा था मैं, सच में मत आ जाइयो यार। एक तो ये मुझे पता नहीं इतना लैग क्यों हो रहा है, इतनी ज्यादा FPS आ रही है, मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर्स के लिए ये तो शायद मे बी कमी FPS होगी, पर मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी है। एंड ग्रीन टीम एलिमिनेट हो रखी है, तो मुझे वापस जाना नहीं चाहिए, शायद मैं मर जाऊँ इसलिए मैं वापस जाने वाला हूँ। अब बस मुझे मरना नहीं है कुछ भी करके, अगर मैं मर गया तो मैं अपना घर मैं अपना ये पीसी तोड़ दूंगा। हाँ घर तो नहीं तोड़ूंगा, पीसी तोड़ दूंगा। अब मैं क्या खरीदूँ, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत है, वैसे गोल्डन एप्पल और एक टीएनटी ले लेता। अब ये खुल जाएगा प्लीज, हाँ फाइनली खुल गया, ये भी 10 साल लगाएगा खुलने में। अब येलो टीम अभी तक बची हुई है, उसे काम करते रहे। मैं मिड पे जाता हूँ ना, क्योंकि मैं अगर मिड पे जाऊंगा और मेरे पास एमरल्ड स्टफ होगा तो मैं थोड़ा ओपी बन जाऊंगा। बस अगर किसी ने मुझ पर फायरबॉल किया तो मैं गया, वैसे मैं यहाँ से TNT जंप कर सकता हूँ जो कि मैं नहीं कर सकता असल में, क्योंकि मैं TNT जंप का मास्टर नहीं हूँ। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, फिर इसलिए क्या था, कोई इनविजिबिलिटी पोशन भी रखा है क्या? या पे किसी ने फायर चार्ज फेंका भी, कौन कर रहा है भाई ये? अरे माफ कर दो सर जी, छोड़ दो हमें। मैंने इन एमरल्ड का नेम टैग देख के मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई होने वाला है, जो कि यहाँ पे है एंड वो मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पे येलो था एंड मैं एलिमिनेट हो गया, वाह वाह वाह। चलो एक और मैच करते हैं एंड हम आगे ज़ार्ज़ुल। ओके इस मैप पे मैं पहली बार आया हूँ जब से मैंने हाईपिक्सल खेलना शुरू किया है। एंड गाइस मैं शायद एक सेकेंड, अगर मुझे जितना एक्सपीरियंस मिला है मैं शायद 5 लेवल का हो गया, 5 स्टार। मुझे नहीं पता मैं हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं 5 स्टार का होने वाले था इस हाईपिक्सल में। चलो छोड़ो गाइस, मैं आपको तब मिलता हूँ जब मेरे पास सारा सामान आ जाएगा। तो गाइस मुझे जो भी सामान चाहिए था मैंने ले लिया है, एंड मुझे नहीं पता मुझे एप्पल चाहिए था कि नहीं पर मैंने ले लिया। ओके एंड डायमंड जेन पे जा रहा है ये, शिट अगर ये डायमंड जेन पे जाएगा तो मेरे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। मेरी तरफ आ रहा है क्या ये? नहीं, पर मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। वेट, उसे ग्रीन तो मुझ पर रश नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मी वो रश करेगा। चलो छोड़ो,
उसे लगा था। वाह भाई वाह, उसने इतने के लिए वर्ल्ड में कर गया बंदा, वो भी सारे डायमंड्स के साथ। गिर जा मुबड़े। मैं इसको हरा दूंगा यहाँ पे शायद। ये डोर से भाग गया बे। अरे वो 1 हार्ट पे बचा, पर मैंने इसको हरा दिया है। ओ भाई, मैं तो सीधा आयरन आर्मर ले रहा हूँ। क्यों मैं क्यों लेता हूँ ये स्टोन स्वॉर्ड। वाय प्रखर वाय। ऊपर एंडर चश्मा। अच्छा ये रही। ओके अब चलते हैं, क्योंकि अब वो मेरे डायमंड्स हो गए हैं, क्योंकि ये रेड तो बेचारा हेवन में चला गया। आई मीन हेल या हेवन, मुझे नहीं पता। यहाँ पे कितने डायमंड, ओ यहाँ पे उसने डायमंड छुपा रखे थे। ओ भाई साहब, मिस टेक्सचर पैक में ऐसा, मतलब लूना क्लाइंट की वजह से वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पड़ा है, मतलब कुछ ऐसे गेम ने मतलब कुछ डिजाइन किया, पर वो था नहीं, वो डायमंड से ऐसा मिल। तो लेट्स गो, एंड यहाँ पे हम लेंगे अब शार्पर एंड प्रोटेक्शन। एंड भाई आ जा। हाँ मैं ना यहाँ पर थोड़े बहुत गैप्स लेने वाला हूँ, एंड एक TNT भी चाहिए। अब भाई एक गोल्ड कभी नहीं आएगा पक्का, एक गोल्ड कभी नहीं आएगा। फाइनली आए। एंड बाकी का आ रहे हैं, जाओ तुम एंड चेस्ट में। ग्रीन एलिमिनेट हो गई क्या? ओ शिट, अभी कौन कौन बचा है? ब्लू यानी मैं, ये एक्वा, और ओ भाई ये क्या करते हैं, मैंने एक्वा एंड वो ग्रे एंड येलो। ओके चलो छोड़ो, हम तो जाएंगे अब मिड पे। बस अगर कोई मिड पे हुआ तो मैं टाटा गुड बाय हो गया। हम ऐसे ब्रिज करके जाएंगे जो कि थोड़ा ऊपर करके अच्छा रहेगा। एंड मिड वहां पे, मैं ये कहाँ जा रहा हूँ? बस अभी मैं इस मैप पे पहली बार खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। ओके बस प्ले स्मार्ट। मैं यहाँ पे तो आ गया, पर यहाँ पे कोई अभी तक कोई मिड पे स्टेप नहीं किया है क्या? दो दो एमरल्ड शायद एवरी जन में, हर एक जन में दो दो एमरल्ड होंगे पक्का। हाँ एंड गाइस, मैं डायमंड आर्मोर नहीं लेने वाला। मैं जानता हूँ डायमंड आर्मोर नहीं बोलते, पर मैं डायमंड आर्मोर ही बोलूंगा, पता नहीं क्यों, पर मैं उसे नहीं लेने वाला। मैं अपनूंगा एक, मतलब एक इनविजिबिलिटी पोशन और एक एंड। एंड अगर कुछ बचा तो उससे ब्रिज अपने, तो मैं डायमंड आर्मर और डायमंड स्वॉर्ड ले रहा, छोड़ दिया यार। एंड अभी मुझे क्यों लग रहा है कोई मुझे पीछे से आके मार देगा, कि मैं एमरल्ड सेफ एंड सिक्योर लेके आ गया हूँ। यस लेट्स गो, अब इसका कुछ खरीदते हैं। देखो एक तो मैं लूंगा इनविजिबिलिटी पोशन, एक मैं लूंगा एंडर पर्ल, एंड एक एंड अगर बाकी का कुछ, दो एमरल्ड बचे इनके मैं ले लूंगा ब्रिजेक्स। यस यस ब्रिजेक्स। और इसको
और खरीदो, यहाँ से एक फायर चार्ज खरीदो। भाई नेट ओ चार और आयरन चाहिए। ये फायर चार्ज खरीद लिया हमने, अब खरीदते हैं आयरन चाहिए। इसको यहाँ पे रखो एंड मैं भी अपने साथ एंड्रोपल ऐसे रखूँगा। इसको ऐसे रखो, यहाँ पे एक ब्रिजेक भी एंड यहाँ पे एक स्टैक, इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे रखते हैं। एंड प्रॉट टू और प्रॉट थ्री या मे बी प्रॉट टू ही खरीदते हैं। एक्वा बेड वाज डिस्ट्रॉयड बाय आइस अंडरस्कोर बनाना 2098। वाह क्या क्या मतलब क्या, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसके बारे में, मुझे समझ में नहीं आता नाम सोच कैसे लेते हैं। वैसे मुझे भी अपना नाम अजीब सा लगता है, पर नहीं लगता, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, पर हाँ लगता है येलो का ही बेड बचा है जो कि अब मैं उससे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। मिड से जाके मैं उसके, अगर वो अपने बेस पे हुआ तो मैं इनविजिबिलिटी पोशन लगा के TNT प्लेस करके फड़क कर दूंगा। एंड मेरे पास ब्रिजेक्स भी तो है। यस यस बेटे, बस कोई पीछे नहीं है, नहीं है शेड। मैं काम करते हैं इनविजिबिलिटी पोशन। मरो मरो प्लीज, मर जाओ मर जाओ। शेट शेट, मैं ब्रिजेक्स से MLG करने की कोशिश कर रहा था। शेट यार, ओ भाई ये क्या हो गया, अरे मैं फंस गया भाई। ओ भाई मैं वहां पर अगर मरता नहीं कितना अच्छा होता। शेट एंड भाई ये क्या हो गया, एक सेकेंड डूड व्हाट टाइम आउट। अरे भाई साहब, तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आज भी एक मैच भी नहीं जीत पाया, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा एक मैच जो जीत ही जाऊँ। तो हाँ अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में मजा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, बता दीजिएगा मुझे 1.19 एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी वीडियो बनानी चाहिए या बस मैं बेड वॉर्स अपलोड कर जा रहा हूँ इस चैनल पर। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।